हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 11, जिसका नेम है फोर्स एंड प्रेशर। देखो, जैसे कि नेम है इसका फोर्स एंड प्रेशर, इसमें दो टाइप्स, एक है आपका फोर्स और एक है आपका प्रेशर। यानी फोर्स क्या होता है, पहले उसके बारे में समझते हैं कि फोर्स किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप अगर पुश या पुल करते हैं, है ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करते हैं तो वो क्या करता है, उसके डिस्टेंस में चेंज होता है, है ना। तो जो हम पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं उसी के थ्रू हम क्या लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश और पुल कर रहे होते हैं तो उस समय उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी साफ ऐसी लिखी जा सकती है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो दूसरा है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू फोर्स लग रहा, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको यहाँ से बाइंड कर दिया गया, ठीक है। या फिर एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक आपकी बाल्टी है, ठीक है, और इसको यहाँ से बांध दिया गया और इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये इस पे जो फोर्स लगा है, इस कॉन्टेक्ट पे जो फोर्स लगा है जिसके थ्रू ये बाल्टी लिफ्ट होगी, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। और इसको जिस कोई पर्सन होगा जिसको लिफ्ट कर रहा है तो कॉन्टेक्ट फोर्स के थ्रू ही लिफ्ट होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू फोर्स लगा, ठीक है, उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें हम एक चीज देखते हैं, इसके जो टाइप्स है, जैसे कि इसमें है मस्कुलर फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स में क्या होगा कि ऐसा फोर्स जो मसल्स के थ्रू लगता हो, है ना, मतलब कि क्या होगा कि किसी हम ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, है ना। लिफ्ट करने से क्या होगा, हम उसे अपने मसल्स के थ्रू लिफ्ट करेंगे, ठीक है, वो किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू हो रहा है, मसल्स के थ्रू हो रहा है ना। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यानी ऐसा फोर्स जो सिर्फ मसल्स के थ्रू लग रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स का, ठीक है। दूसरा है फ्रिक्शन। और देखो फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन के थ्रू ही हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते, ठीक है। ड्यू टू द फ्रिक्शन वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये कोई प्लेन पाथ है, ठीक है, और इस पे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें पहिए लगे हुए, तो इस पे ये जो इसके व्हील है ये इस फर्श पे, इस रोड पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है। इस फ्रिक्शन के थ्रू ही ये आगे ट्रेवल हो, ठीक है। बिना फ्रिक्शन के कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। यानी कि ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि उसके मोशन में कोई चेंज नहीं हो सकता, है ना, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकती, वो रेस्ट से वेलोसिटी में नहीं जा सकता, है ना। तो हम फ्रिक्शन से हम क्या समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है ना। उसके बाद है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब देखो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, एक बाल्टी का बताया था, मस्कुलर फोर्स बताया था, ये दोनों आपके किस में आते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स में ही, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो बिना किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू फोर्स लग रहा हो, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं जैसे मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स में देखो कि जैसे कि आपके पास मैग्नेट है, हम एक मैग्नेट लेते हैं, जैसे कि आपका ये है नॉर्थ पोल एंड ये साउथ, ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट है। हमने क्या किया, अगर इसके पास हम कोई अनदर मैग्नेट लाते हैं, ठीक है, अनदर कोई मैग्नेट लाते हैं, तो इसमें अगर यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ है, तो देखो ये अपोजिट आपके पोल्स है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है, ये किसमें आ रहा है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, इसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है सर, इसमें ये नहीं हो रहा कि इस तरफ से ही इसमें अट्रैक्ट होगा, ये नॉन कॉन्टेक्ट है, ये कहीं भी अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो है आपका, अगर सेम पोल है तो दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, अगर ये आपके डिफरेंट पोल्स हो जाए, जैसे ये साउथ है तो ये भी साउथ है, नॉर्थ है, तो मतलब ये क्या है, सेम पोल, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपका, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स था, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू मैंने आपको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भी समझाया। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो जो मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट होता है ना, इसको हम डिफाइन कैसे ऐसे कर सकते हैं कि द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्दर जब आप 10th या फिर 12th में जाओगे, 11th में जाओगे फिजिक्स में, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक काफी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें नेम से पता लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कॉम्बिनेशन है, मतलब कि किसी चार्ज का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे कि ये देखो मैंने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। अभी सिर्फ इतना देखो, तो ये एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ये भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो दोनों डिफरेंस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, दोनों चार्ज बॉडी है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज बॉडी होती है वो किसी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर, मतलब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनी चार्ज बॉडी विल कैप या विल अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, जब आप किसी कॉम्ब को, ठीक है, अपने हेयर में रब करते हो, रब करने के बाद क्या होता है, उस कॉम्ब में चार्जेस स्टोर हो जाता है, है ना, उसमें चार्जेस अट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, आप उसी भी अनचार्ज मटेरियल से या फिर कोई चार्ज मटेरियल से आप उसको अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि लाइक पेपर, आप अनचार्ज बॉडी है पेपर, तो उसको अट्रैक्ट करते हो तो वो पेपर क्या करते हैं, उस फॉर्म में चिपक जाता है, वो किसके थ्रू होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू होता है, क्योंकि जो आपका जो वो फॉर्म होता है, ये जो आपके जो फॉर्म होते हैं इसके अंदर आपके चार्जेस स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, तो ये चार्ज बॉडी हो गई आपकी पूरी, और ये किसी अनचार्ज बॉडी, जैसे आपके कागज पेपर के टुकड़े होते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्रेविटी का यहाँ पर रिलेशन, ठीक है, जो ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी किसके कारण होती है, हमारे जो अर्थ होता है, जो हमारा पूरा अर्थ है, इसके अंदर क्या अवेलेबल, ग्रेविटी अवेलेबल, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। ऐसा फोर्स जो अर्थ के थ्रू ही एग्जर्ट होता हो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो हमने जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वापस नहीं जाती, किसके थ्रू हो रहा है, ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के अंदर हमारा ग्रेविटी है, अगर हम उसमें कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है, किसके थ्रू आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो ये समझना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखते हैं हमारे पास है प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, हमने पढ़ा था फोर्स क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश या फिर पुल किया, ठीक है, वो तो हो गया आपका फोर्स,
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश या पुल किया, वो तो हो गया आपका फोर्स। लेकिन प्रेशर की अगर हम बात करें, तो प्रेशर का को अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊं, तो वो होता है फोर्स अपॉन में पर यूनिट एरिया। अभी मैंने पर यूनिट एरिया क्यों लिखा है, यहाँ पर यूनिट एरिया क्यों लिखा है, फोर्स है, फोर्स हमें पता लग गया किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया, लेकिन पर यूनिट एरिया क्या है, आइए बताते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ इतने पॉइंट तक पे फोर्स लगाया हाथ से, अब जो हमारा हैंड, वो हैंड का मतलब एरिया कितना है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने एरिया से उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो अभी इतने एरिया से लगा, तो किस ये जो फोर्स मैं दे रहा हूँ इस पर, जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस पर, तो ये इतने एरिया तक ही फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं फोर्स बढ़ा दूँ, अगर मैं दो हाथ ऐसे लगा दूँ, तो वो उसका एरिया बढ़ के इतना हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स तो है लेकिन पर यूनिट एरिया, यानी उस पर कितने एरिया के हिसाब से उस पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, एयर अवेलेबल है, ठीक है। हमारे अर्थ के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ एयर, ठीक है, इसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस अवेलेबल है, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर, ठीक है। तो ये जो इसमें एयर्स जो अवेलेबल है, इस अर्थ के अंदर जो एयर्स अवेलेबल है, उसको हम पूरे, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। यानी इस अर्थ के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, जो ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से स्टार्ट होता हो, ठीक है, जो उससे लगता हो, यानी द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी उस एयर के थ्रू भी जो प्रेशर लगता हो एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज और मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कि जो प्रेशर होता है हमारा, वो प्रेशर डिपेंड करता है कि आप पर आपने जो प्रेशर लगाया है उसका एरिया कितना है, कितने एरिया पे आपने प्रेशर लगाया, ठीक है। दूसरा, प्रेशर जो है आपका किस किस चीज से एग्जर्ट होता है, आपका गैस से भी होता है और वाटर से भी होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेशर की बात करें, हम कहते हैं ना कि पाइप का, अगर जैसे वाटर पाइप है, ठीक है, जो इसके अंदर वाटरफॉल का जो प्रेशर होगा, ठीक है, अगर हम उसमें उसकी जगह थिन पाइप लें, तो उसका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो, है ना। यानी हम इससे क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो वाटर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, वाटर में भी प्रेशर होता है, ठीक है। और दूसरा हम देखें, जैसे कि हमें बुक में गिवन है कि हमने एक बोतल ले रखा है, ठीक है, उस बोतल में हमने क्या किया, यहाँ पे एक होल कर दिया और यहाँ पे एक बलून लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो वाटर फिल है वो क्या करेगा, इसको इसके अंदर फिल हो सकता है ना। तो यानी इसको कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या पता लगता है, या ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि इसमें आपका जो प्रेशर है वो वाटर के थ्रू भी लगता है, ठीक है, और एयर के थ्रू भी प्रेशर होता है। जो हम जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर गैस जो उसमें फिल की जाती है, किसके थ्रू की जाती है, प्रेशर के थ्रू फिल की जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, गैस वाला प्रेशर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो वाटर से भी प्रेशर लग सकता है और गैस से भी प्रेशर लग सकता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लेसन नंबर 11 है क्लास 8 का, वो कंप्लीट होता है।